दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और चोचो चार्ल्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और सोन आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे थे, तभी ये लोग एक गुफा के अंदर आकर फंस जाते हैं। लेकिन इन लोगों को इस गुफा से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। जैसे ही ये लोग इस गुफा से बाहर आते हैं, तभी गुल्ली बुल्ली और सोन ने देखा कि पहाड़ों के ऊपर तो कोई ट्रेन वाला मॉन्स्टर खड़ा है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये कोई ट्रेन वाला मॉन्स्टर नहीं बल्कि चोचो चार्ल्स है। तभी चोचो चार्ल्स गुल्ली बुल्ली और सोन के पास आने लगता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग एक छोटे से घर के पास आ जाते हैं जो पेड़ों के ऊपर बना हुआ था। तभी चोचो चार्ल्स गुल्ली को पकड़ लेता है और अपने साथ जंगल में लेकर चला जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सोन कहता है, अरे बुल्ली, वो ट्रेन वाला मॉन्स्टर गुल्ली को क्यों लेकर चला गया? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे भी पकड़कर अपने साथ लेकर ना चला जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सोन? यहाँ वो ट्रेन वाला मॉन्स्टर गुल्ली को पकड़कर अपने साथ कहीं लेकर चला गया और तुम अपने बारे में ही सोच रहे हो। पता नहीं अब गुल्ली का क्या होगा, हमें जल्दी गुल्ली को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ट्रेन वाला मॉन्स्टर गुल्ली को कहाँ लेकर गया होगा। सोन कहता है, ये तो हमें उस तरफ जाकर ही पता चलेगा बुल्ली, जिस तरफ वो ट्रेन वाला मॉन्स्टर गुल्ली को लेकर गया है। ये कहकर बुल्ली और सोन उस ट्रेन वाले मॉन्स्टर से गुल्ली को बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि वो ट्रेन वाला मॉन्स्टर कितना खतरनाक है। इधर, अरे ये क्या, रॉड इस गुफा से बाहर कैसे आया? गुफा के दरवाजे के पास तो पत्थर गिरा हुआ था। रॉड जैसे ही गुफा से बाहर आता है, तभी रॉड ने देखा कि बुल्ली और सोन तो जंगलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गुल्ली कहाँ है? ये सोचकर रॉड दौड़ते हुए बुल्ली और सोन के पास जाने लगता है। रॉड के दौड़ने की आवाज सुनकर बुल्ली और सोन रुक जाते हैं और रॉड की तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ बुल्ली और सोन, तुम लोग जंगलों की ओर क्यों जा रहे हो और गुल्ली कहाँ है? बुल्ली कहता है, रॉड, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि गुल्ली को एक बड़ा सा ट्रेन वाला मॉन्स्टर उठाकर कहीं लेकर चला गया। ट्रेन वाला मॉन्स्टर? ये तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? कहीं वो चोचो चार्ल्स तो नहीं था जो मकड़ी की तरह दिखता है और वो इसी इलाके में रहता है? मुझे तुम लोगों को ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। हाँ हाँ रॉड, तुम सही कह रहे हो, वो ट्रेन वाला मॉन्स्टर मकड़ी की तरह ही दिख रहा था, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? रॉड कहता है, क्योंकि वो ट्रेन वाला मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो इंसानों को खा जाता है, हमें जल्दी गुल्ली को बचाना होगा। रॉड, अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी, चोचो चार्ल्स गुल्ली को लेकर उस तरफ गया है। ये कहकर ये लोग आगे जाने लगते हैं। चलते चलते सोन कहता है, रॉड, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम पहाड़ों के इस तरफ कैसे आए, क्योंकि गुफा का दरवाजा तो एक पत्थर से बंद हो गया था। रॉड कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को ढकेलकर साइड कर दिया और यहाँ आ गया सोन। लेकिन अभी ये सब बातें छोड़ो और वहाँ देखो, एक रेलवे स्टेशन है और पास में ही ट्रेन का एक इंजन भी लगा हुआ है। रॉड की बात सुनकर बुल्ली और सोन रेलवे स्टेशन और इंजन को देखने लगते हैं। तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। वो देखो सोन और रॉड, चोचो चार्ल्स वहाँ पे सोया हुआ है और उसने गुल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है। हमें गुल्ली को बचाने के लिए चोचो चार्ल्स को मारना होगा। रॉड, तुम्हें ट्रेन चलाना आता है ना? हाँ बुल्ली, मुझे ट्रेन चलाना अच्छे से आता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, चलो तो फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये कहकर रॉड इंजन की तरफ जाने लगता है और गुल्ली और सोन चोचो चार्ल्स की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते बुल्ली सोन से कहता है, सोन, तुम सीधे जाकर गुल्ली को पिंजरे से बाहर निकालो, मैं चोचो चार्ल्स को देखता हूँ। कुछ ही देर में ये लोग चोचो चार्ल्स के पास पहुँच जाते हैं। तभी गुल्ली पिंजरे के अंदर से बुल्ली और सोन को देख लेता है और खुश हो जाता है। बुल्ली चोचो चार्ल्स के सामने आकर रुक जाता है और चोचो चार्ल्स को देखने लगता है। पता नहीं बुल्ली अब चोचो चार्ल्स के साथ क्या करने वाला है। इधर सोन जैसे ही गुल्ली के पास आता है, तभी गुल्ली कहता है, वो देखो सोन, इस पिंजरे को खोलने की चाबी वहाँ पर है। गुल्ली की ये बात सुनकर चोचो चार्ल्स अचानक से उठकर खड़ा होता है और अपने सामने बुल्ली को देखता है। तभी बुल्ली यहाँ से भागने लगता है और चोचो चार्ल्स बुल्ली के पीछे भागने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोन पिंजरे को खोल देता है और गुल्ली पिंजरे से बाहर आ जाता है। पिंजरे से बाहर आते ही ये लोग बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये क्या, बुल्ली तो चोचो चार्ल्स को अपने पीछे पीछे भगाकर ट्रेन की पटरी की तरफ लेकर जा रहा है। तभी बुल्ली अचानक से पीछे घूमकर ट्रेन की पटरी पर ही दौड़ने लगता है, लेकिन चोचो चार्ल्स तो बुल्ली का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर रॉड इस ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ाने लगता है। तभी बुल्ली दौड़ते हुए इंजन के पास आकर साइड में कूद जाता है। अरे ये क्या, चोचो चार्ल्स तो सीधा ट्रेन के इंजन से टकराकर दूर जाकर गिरा है और ये वापस उठने का नाम भी नहीं ले रहा है। लगता है चोचो चार्ल्स हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका है। इधर रॉड इस इंजन को रोक देता है और बुल्ली के पास आकर कहता है, देखा बुल्ली, तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, हम लोगों ने चोचो चार्ल्स को मार दिया। अरे वाह बुल्ली और रॉड, तुम दोनों ने तो चोचो चार्ल्स को बहुत खतरनाक तरीके से मारकर मुझे बचा लिया।
सोन कहता है, नहीं गुल्ली, तुम्हें बुल्ली और रॉड ने नहीं बचाया है, तुम्हें तो मैंने बचाया है, क्योंकि अगर मैं उस पिंजरे को नहीं खोलता तो तुम अभी तक उस पिंजरे के अंदर ही बंद रहते। सोन की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।